रहे दिल्ली मंत्री और आप नेता आतिशी ने दिल्ली कोचिंग सेंटर को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि दो महत्वपूर्ण चीजें सामने आई हैं। पहला, जो नाले उस क्षेत्र में जलभराव के लिए जिम्मेदार थे उस पर वहां के सारे कोचिंग सेंटर ने अतिक्रमण किया हुआ था, जिसकी वजह से नाले से पानी नहीं निकल पा रहा था। दूसरा ये कि बेसमेंट में क्लास और लाइब्रेरी चल रही थी, वो 100% गैर कानूनी था। बेसमेंट का प्रयोग पार्किंग और स्टोरेज के लिए किया जा सकता था। प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर MCD ने कार्रवाई शुरू की। जो JEE जिम्मेदार था उसे MCD से बर्खास्त कर दिया गया है। AE को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि जैसे ही पूरी जांच रिपोर्ट सामने आएगी और इन अधिकारियों के अलावा भी कोई भी अधिकारी शामिल हुआ उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करी जाती है। 24 घंटे का समय दिया गया दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, DMs को, कि वे इस पे रिपोर्ट देंगे। कुछ डिले के साथ एक इंटरिम इंक्वायरी की रिपोर्ट आई जो मुझे 29 तारीख को दी गई। MCD द्वारा भी एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने रखी गई। दो महत्वपूर्ण चीजें सामने आई इस एक्सीडेंट के पीछे। सबसे पहला, जो ड्रेन उस एरिया में वाटर लॉगिंग के लिए जिम्मेदार था, उस पर वहां के सारे कोचिंग सेंटर्स ने इंक्रोचमेंट किया हुआ था, जिसकी वजह से ड्रेन से पानी नहीं निकल पाया। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण अभी सामने आया है कि बेसमेंट में जिस प्रकार कोचिंग सेंटर्स क्लासेस चलाते हैं, कोचिंग सेंटर्स की लाइब्रेरी थी, वो 100% इलीगल था। जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट द्वारा इस कोचिंग सेंटर को परमिशन दी गई थी, उसमें बेसमेंट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पार्किंग और स्टोरेज के लिए किया जा सकता था। जो बाकी इंक्वायरी रिपोर्ट है वो अभी 7 दिन में आएगी, लेकिन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर ही MCD ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले, जो JEE जिम्मेदार थे वहां पे ड्रेन की मेंटेनेंस के लिए, जिनकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि ड्रेन पर इंक्रोचमेंट ना हो, जिसकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी वहां पर फील्ड पर नहीं चल रही है, उस JEE पर सख्त से सख्त कार्रवाई हुई और उसको MCD से टर्मिनेट कर दिया गया है। उसको परमानेंटली नौकरी से निकाल दिया गया है। दूसरा, जो AE थे, असिस्टेंट इंजीनियर, उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी थी फील्ड ऑफिसर होने के नाते कि जो ड्रेन वहां पर बनी हुई है वो फंक्शनल है कि नहीं, वो उनको इंश्योर करना था। उनकी जिम्मेदारी थी कि जिन परमिशंस के आधार पर वहां पर बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया हुआ है, क्या उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। इसलिए इन दोनों अफसरों पर तुरंत कार्रवाई करी गई।